अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुमति दी बोलने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा जो विषय है वो पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत कृषि का की दृष्टि से आर्थिक उन्नति का आधार है, और मैं ये जानती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने भी भारत को, कृषि को भारत की आत्मा कहकर पुकारा था। आज भी भारत की ग्रामीण जनता कृषि पर ही आधारित है। हमारी सरकार के नेतृत्वकर्ता ने कृषकों की चिंता की है। माननीय अध्यक्ष जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए योजना बनाकर काम करने की अति आवश्यकता है, तभी हम किसान की आय दोगुनी कर सकते हैं। जैविक कृषि को उन्नति, उद्यानिकी, फल साग सब्जी एवं दुधारू पशुपालन की समेकित योजना प्रत्येक जिले में लागू की जाएगी, तभी इस कल्पना को पूरा किया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को जागरूकता अभियान चलाने की बहुत भारी आवश्यकता है, और क्षेत्रवार स्वास्थ्य भूमि के स्वास्थ्य के अनुरूप फसलों को चिन्हित करना होगा। साथ ही उनकी उपज को उचित मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था भी साथ साथ करनी पड़ेगी। कृषि विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र निष्क्रिय पड़े हुए हैं। राजस्थान के सारे कृषि विज्ञान केंद्र काम नहीं कर रहे। मेरे संसदीय क्षेत्र का कृषि विज्ञान केंद्र तो ऐसा है कि जिसको देखकर दुख होता है कि घास भी वहाँ उगी हुई नहीं है, और वैज्ञानिकों पर लाखों रुपए पर मंथ खर्चा होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम कृषि की आय को दोगुना करना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं। थैंक यू।